Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. So, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए आइडिया के साथ आती हूँ. So, yes, guys, आज की वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है. आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल देख लिया है. आज मैं अपने बालों से ब्रश बनाने वाली हूँ, पेंटिंग ब्रश. एंड देन उसके बाद मैं उसी ब्रश से पेंटिंग करने वाली हूँ. आई नो दिस साउंड वे टू क्रेजी एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में, मतलब खुद की लाइफ में भी इतनी क्रेजी चीज ऑन कैमरा नहीं करी होगी. बट एनी वे, मूविंग ऑन विद दिस, इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि शिवांगी दी क्या आप नर्वस हो, सो आई एम नॉट एट ऑल नर्वस, रादर आई एम वे टू एक्साइटेड क्योंकि ऐसी फालतू चीजें करने में मुझे बड़ा मजा आता है. So yes, I think we can start now. I have my scissors with me. Abhi main apne baal cut karungi and then we will start. Baalon ki quality sahi hona bahut important hai, tabhi hamara brush kaam karega end mein. And I have recently, matlab 2-3 hafte ho chuke honge, I've switched to a new hair oil from Vilva and I'm loving the results right now because it has no sulfates, no harmful chemicals. And isme bonus baat ye hai ki it comes with the goodness of pumpkin seed oil and karanji oil. Isse sach mein hair growth ko bhi help hoti hai and that is one of the reasons maine socha ki kaat lete hain yaar, hair brush bana lete hain. Hoping ki mere baal wapas badh jayenge. Also thought of giving you a closer look of this product. And did I tell you that Vilva bhi ek Indian brand hai, just like ye channel Indian hai. In fact, inke products ke sare ingredients bhi Indian hai. And yaar, iska best part ye ki isme koi bhi animal testing involved nahi hui hai, which is really really sweet of this brand. So I would highly recommend you guys to try it. For the discounts, you just need to click on the description and you are good to go. And now, I'm gonna cut this off. एंड द बेस्ट पार्ट इज मेरे बाल थोड़े सेमी कर लिए इसलिए पता भी नहीं चलता. सो दिस इज वॉट वी हैव राइट नाउ एंड आई एम रियली एक्साइटेड. तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे ब्रश. मेरे पास एक पुराना टूटा हुआ ब्रश था, मैं उसी की हेल्प से इसको ब्रश में कन्वर्ट करूंगी. Oh my God, this is crazy. Seriously, you guys have no idea मुझे खुद को कितना crazy feel हो रहा है बनाते हुए. But anyway, इस thread की help से मैं अपने brush को tightly बांध दूंगी because I don't want कि बाद में बाल निकलते रहें. Yucks, कितना घिनौना हो गया यार वो. This is what my brush looks like. काफी बढ़िया लग रहा है यार. मुझे तो झाड़ू लग रहा है यार ये. अरे यार चिल, ब्रश बनाने के लिए मुझे इसे थोड़ा कट करना होगा, शेप देनी होगी जिससे कि अल्टीमेटली मैं इससे पेंट भी कर पाऊँ. सम फाइनल टचेस एंड वी आर डन एंड आई एम सो हैप्पी विद द फाइनल आउटकम गाइस. बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अभी हम इसी को यूज करके एक पेंटिंग बनाने जा रहे हैं एंड फॉर दैट फर्स्ट वील स्टार्ट विद रफ स्केच. And if you guys are wondering, thinking, आज ऐसा क्या special बन रहा है यार? So let me tell you, आज ऐसा कुछ special नहीं बन रहा है. I'm just doing a little cute illustration of all the things I love. And जल्दी से मैं इस rough sketch को complete करूँगी, जिससे हम finally paint कर पाए. अरे, ये तो बाबा आदम वाला पेंट है. एंड मैं सच में प्लान कर रही थी प्रैक्टिस करने का टू सी इफ दिस रियली वर्क्स और नॉट, बिकॉज मुझे सच्ची काफी डाउट्स है. ओह माय गॉड, दिस इज लुकिंग रियली प्रिटी एंड आई थिंक दिस इज वर्किंग वेल यार. यूज करना बहुत टफ तो नहीं है बट इट इज डिफिकल्ट. एनी वे, मैंने आपको प्रॉमिस तो कर दिया था स्टार्टिंग में कि आज मैं इसी हेयर ब्रश को यूज करके पेंट करने वाली हूँ. सो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी एंड आई एम नर्वस गाइज. एंड इफ यू गाइज आर वंडरिंग, इसमें नर्वस होने की क्या बात है यार? सो लेट मी टेल यू, ये जो ब्रश है ना, इसकी टिप इतनी बेकार है कि इससे पेंट करना कुछ भी नामुमकिन है. आई स्वेयर, मैं बस ये एक चैलेंज की वजह से कर रही हूँ. इट इज डिफिकल्ट बट आई एम एक्चुअली लाइकिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज. आई मीन यार, इस ब्रश की टिप देखो कितनी बकवास है. हाँ यार, बकवास तो है बट एक चीज बताना तो भूल गई. यहाँ पे जो मैंने बर्ड बनाई है उसका नाम मैंने रखा है बर्डी. यार इस ब्रश के साथ पेंट करना सच्ची टफ है, इसलिए इस ब्रश के लिए मैं एक गाना डेडिकेट करूंगी. हम होंगे कामयाब एक दिन, क्योंकि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. कैसा लगा मेरा गाना बताओ?
ओह बाय द वे डिड आई टेल यू, यहाँ पे मैंने बनाई है एक प्यारी सी कैट जिसका मैंने नाम ही नहीं सोचा। एंड लास्ट टाइम आपने वीडियो में इतने प्यारे प्यारे नाम सजेस्ट करे थे चिकली के फ्रेंड्स के, मिकली पिकली डिकली पता नहीं क्या क्या। सो नाम तो आप ही लोग डिसाइड करोगे यार, तो कमेंट करके जरूर बताना कैट का क्या नाम रखे यार। तो चलो अभी कमेंट करके बताओ यार। टाइम हैज कम टू फाइनली पेंट ऑन दिस जूसी वाटरमेलन। By the way, do you know that I love watermelons? And if you guys are wondering, kya ye detail-less painting hone wali hai? Wait for a second and then you will see main sach mein isme bhi details add karne wali hu. Because bina details ke to chain hi nahi hai yaar life mein. I'm gonna add those little tiny details using this hairbrush. I know difficult hai, but hum to karenge yaar. You know what? I was just thinking ki yaar, agar hum is hairbrush ke saath itna kuch kar sakte hai, to hum normal brush se kya nahi kar sakte. Maine seriously itna sab expect nahi kiya tha is hairbrush ke saath. So I am really happy with whatever I am doing. Comment karke zarur batana kya aap expect kar rahe the ki itna kuch ho sakta hai is hairbrush ke saath. Batao. And ab main life ki सबसे ट्रिकी चीज करने वाली हूँ यूजिंग दिस हेयर ब्रश। दिस क्या यार, मेरे ही बालों का हेयर ब्रश है। अब मैं इसको यूज करके आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ गाइस। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब मैं अपना एक्स फैक्टर इसमें ऐड करने वाली हूँ यूजिंग अ बॉल पेन। बॉल पेन? Yes, आपके पास जो भी पेन है आप उसे यूज करो यार, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस डिटेलिंग से मतलब है। एंड यार एकदम से मुझे ध्यान आया, बर्डी नाम इतना अच्छा नहीं है यार, चीची रख लेते हैं इसका नाम। मैं हर एक एलिमेंट में डिटेल्स ऐड करूंगी बिकॉज हर एलिमेंट खास है यार। सो उसी खासियत को ध्यान रखते हुए हम कंप्लीट करेंगे इस पेंटिंग को। यार आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दिस, ये मैंने अपने बालों के पेंट ब्रश से बनाया है। क्या है ये? On a very serious note, of course this was a bit challenging, but मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैंने life में कभी कुछ ऐसा try नहीं किया था, and I don't think so किसी और ने भी try किया होगा। लगता तो नहीं है। है ना? मुझे भी नहीं लगता। Planning to add some more colors. More colors? हाँ यार, जितने कलर्स ऐड करो उतने कम है, इसीलिए मैं यहाँ पे और कलर्स को ऐड करूंगी एंड इस पेंटिंग को और भी ज्यादा कलरफुल बनाऊंगी। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, अमेजिंग आइडिया के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय एंड आई लव यू।